फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किए गए एक प्रयोग जिसे DART टेस्ट कहा गया है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और DART जो है बेसिकली सौर मंडल के अंतर्गत जो है पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रहों से या खगोलीय पिंड से बचाने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो है छोटे छोटे संदर्भों को हम लोग समझेंगे जो कि सौरमंडल अंतरिक्ष या खगोलिकी से जो है संबंधित है। और इस योजना या इस टेस्ट का जो है आयोजन वो नासा के माध्यम से जो किया गया। बेसिकली इस बात को समझना आवश्यक है कि अंतरिक्ष में छोटे छोटे खगोलकीय पिंड पाए जाते हैं जो ग्रहों के बीच में या ग्रहों के चारों तरफ उन्हीं के साथ में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें जो है क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी की तरफ आते हैं जिनसे पृथ्वी और उन पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नुकसान होने की संभावना होती है। तो इन्हीं संभावनाओं को दूर करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ये DART नामक एक टेस्ट का जो है आयोजन किया गया था। और यह टेस्ट जो है इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल फिलहाल में ये सफल रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था क्योंकि भविष्य में यदि कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आता तो इससे पृथ्वी को बहुत ही जो है क्षति हो सकती थी, जीव जंतुओं को क्षति हो सकती थी, रहने वाले लोगों को क्षति हो सकती थी। तो इस तरीके से भविष्य में किसी संभावित एस्ट्रॉइड के पृथ्वी की तरफ आने और पृथ्वी से टकराने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए इस DART जो है मिशन और DART टेस्ट का आयोजन किया गया। इसका ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके माध्यम से एक अंतरिक्ष यान को उसकी तरफ भेजा जाता है और वो इस एंगल और डायरेक्शन के साथ उसे टकराता है जिससे पृथ्वी की तरफ आता हुआ वह एस्ट्रॉइड अपनी दिशा को बदल देता है, जिससे पृथ्वी टकराव से जो है बच जाती है और होने वाली संभावित खतरे, रिस्क और क्षति जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रयोग था अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, जिससे कि भविष्य में एस्ट्रॉइड से पृथ्वी की होने वाले विभिन्न प्रकार के क्षति को जो है बचाया जाना संभव हो सकता है। एस्ट्रॉइड का मतलब ये हुआ क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह से तात्पर्य यह है कि खगोलकीय पिंड जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं उन्हें जो है एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। पहला जो एस्ट्रॉइड था वो सेरेस के नाम से जो था, जो 1819 ईस्वी में इसकी खोज जो है गिउसेप पियाजी के द्वारा जो है किया गया था। सेरेस पहला जो है वो एस्ट्रॉइड था। थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ करके अगर देखा जाता है तो उससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिससे चीज़ों को जो है माइंड में रखने में जो है आसानी होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम न केवल DART मिशन को और बल्कि जो है उससे संबंधित जो ये चीज़ें हैं कि क्षुद्र ग्रह को भी हम लोग समझ रहे हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो अंतरिक्ष में पाए जाने वाला खगोलकीय पिंड होता है जो आकार में अगर देखा जाए ग्रहों से जो है छोटा होता है और उल्का पिंड जो है इससे जो है ये बड़ा होता है। तो इन दोनों के आधार पर इसको परिभाषित किया जा रहा है। तो ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में जो है कुल 9 थे, अभी एक को हटा दिया गया है और वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतने जो है पाए जाते हैं, मंगल। तो इस तरीके से M या प्लूटो जिसको कहा जाता था उसे हटा दिया गया क्योंकि एक परिभाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ के द्वारा निर्धारित किया गया कि उसके एक स्पष्ट जो कक्ष होना चाहिए, किसी अन्य ग्रह के द्वारा वह मार्ग में न पड़ता हो। तो इस कारण से जो है यम को ग्रहों की संख्या या सौरमंडल में ग्रहों की उस संख्या से जो बाहर कर दिया गया। वर्तमान समय में 8 ही जो है वो ग्रह सौरमंडल में पाए जाते हैं जो कि परिभाषा का एक आधार है। तो कुल मिलाकर के अब जो है वर्तमान समय में 8 ही ग्रह रह गए हैं। उल्का पिंड जो है वह अंतरिक्ष में एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तीव्र गति से चलने वाले जो है छोटे खगोलकीय पिंड होते हैं। कई बार ये पृथ्वी की तरफ भी जो है आते हुए दिखाई पड़ते हैं और जब वो पृथ्वी की तरफ आते हैं तो मार्ग में जो है
मार्ग में प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे उल्का कहा जाता है, और उसका बचा हुआ शेष जब पृथ्वी पर आकर के गिरता है तो ये पिंड हो जाता है, तो इसे उल्का पिंड जो है कहा जाता है। ये उल्का पिंड का अत्यंत ही जो है महत्व है खगोल की अंतरिक्ष के जो है जगत में, क्योंकि इसके माध्यम से अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने में जो मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर के हमारा टॉपिक बेसिकली जो है क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी को बचाने के लिए जो किए जा रहे इस प्रयोग से संबंधित है, परंतु हम इसके आधार पर उसको परिभाषित कर रहे थे, तो इसलिए इस चीज को समझ लेना आवश्यक था। तो ये बात समझ में आ गई होगी उल्का पिंड और ग्रह के बारे में, और इसके बीच के जो खगोल के पिंड हैं वो एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो ये बातें स्पष्ट हुई होंगी कि डार्ट का जो टेस्ट आयोजित किया गया था वो बेसिकली जो है भविष्य में क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को होने वाले संभावित क्षति से बचाने के लिए इस टेस्ट का जो है आयोजन किया गया, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को जो है इस डायरेक्शन और इस वेग के साथ जो है इस दिशा के साथ जो है उस क्षुद्र ग्रह से टकराया जाता है, जिससे वह अपना मार्ग बदल दे और पृथ्वी को होने वाले संभावित क्षति से बचाया जा सके। तो यह कुल मिलाकर के जो है डार्ट टेस्ट का जो है आयोजन जो है किया गया। ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ वर्ष पूर्व एक एस्ट्रॉइड जो है पृथ्वी से टकराया था, और इसी कारण से डायनासोर ये माना जाता है कि ये प्रजाति जो है डायनासोर ये विलुप्त हो गया, और इसके पीछे जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व जो है एक एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की बात कही जाती है। तो कुल मिलाकर के जब इस तरीके के एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराते हैं तो उससे इतनी ज्यादा क्षति अगर होती है, तो नासा के द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया कि फ्यूचर में जो है किसी क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी को बचाने के लिए एक प्रयास एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी के तहत उन्होंने ये टेस्ट किया। तो ये टेस्ट जो सफल रहा, जिससे अब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि भविष्य में यदि कोई भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो उसे जो है ट्रेस करके पहले से उस व्यवस्था को बनाया जाएगा, जिससे उसकी दिशा को बदला जा सके और पृथ्वी को होने वाले क्षति से उसको बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर के ये जो है डार्ट इसी से जो संबंधित एक टेस्ट था, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा आयोजित किया गया। तो आज की संक्षिप्त लेक्चर में जो है हम लोगों ने डार्ट मिशन के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, ग्रहों की संख्या इत्यादि के बारे में, और उल्का पिंड के बारे में जो है जानकारी प्राप्त किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि इससे होगी। तो अगले संक्षिप्त लेक्चर और समझ की सीढ़ी प्ले लिस्ट में हम पुनः नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।